नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा माहौल आपको दिखाने की कोशिश करें जंतर मंतर का पूरा लाइव टेलीकास्ट। और हमारे देश में बहुत सी जगह पर लाइव प्रोटेस्ट भी चल रहा, आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो आप कतारें देख रहे हैं ये और कोई नहीं, ये हमारे वो पेंशन धारक है जो अपनी इक्वल MSP ORP सेकंड में जो एनोमलीज गलतियां हुई हैं उनको और जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों सरकार मुंह छुपाते फिर रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो सभी जो पेंशन धारक है वो अपने हक के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि पूरा भारत देश सैनिकों को देख रहा और किस प्रकार से सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। अब की बार बहुत सूझबूझ से हमारे पेंशन धारकों ने प्रोटेस्ट किया, आपको देख रहा होगा, आप बिल्कुल शांतिपूर्ण ये धरना देख पा रहे होंगे। लेकिन इस धरने में से जो मोदी सरकार को डर लग रहा दोस्तों, वो डर आप को हम बताएंगे किस प्रकार का वो डर है, क्योंकि अब सेकंड किस्त भी जारी होनी शुरू हो गई है। मोदी सरकार पूर्ण रूप से घबरा चुकी है। हमारे पेंशन धारकों को देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। सभी हमारे पेंशन धारक रोड मार्च निकाल रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ है। आप पीछे से भी देख सकते हैं दोस्तों, ये रोड मार्च इसलिए निकाला जा रहा क्योंकि कोई भी बड़ा TV चैनल ऐसा नहीं है जो लोगों तक इस बात को पहुँचा सके। और जब सड़क से हमारे पेंशन धारक जा रहे तो सब भारत के लोग हैं जो वो उन्हें देख रहे हैं कि हाँ, एक हमारा तबका भूतपूर्व सैनिक भी इस गंभीर समस्या में मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार से नाराज। अगर वो फ्लाइट में भी है तो हमारी बातचीत कराओ, वो खैर कह रहे हैं कि बातचीत फ्लाइट में नहीं हो रही। फिर हमने उनको बोला है कि जो उनका नंबर 2 है सिन्हा साहब, जयंत सिन्हा साहब जो फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट